hi friends welcome back to my channel and thanks for clicking this new video in this session we will talk about the most important indian figure ravindra nath tagore before i start with this lesson i request you to all to like share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding english language and literature let's get started and move to our topic रविंद्राथ टगोर ही वॉज बोर्ड मई सेवन एटीन सिक्सटी वन इन कोलका इंडिया डाइड अगस्त सेवन नाइनटीन फोटी वन कोलका बंगाली पोइटे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं सॉन्ग कंपोजर प्ले राइट असिस्ट एंड आल्सो पेंटर Who introduce new prose and words form and the use of colloquial language into Bengali literature? इन्होंने बंगाली लिटरेचर में क्लोकियल लैंग्वेज जो वर्ड्स में हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी नावल्स वेर इंट्रोड्यूस इन मिड नाइनटीन सेंचुरी इन्होंने मिड नाइन्टीन सेंचुरी में अपने नावल इंट्रोड्यूस करवाए हैं नोबल लॉरेट नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टगोर इज़ द बेस्ट नाउंड फिगर ऑफ़ बंगाली लिटरेचर टू द वर्ल्ड यानी कि इनको बंगाली लिटरेचर में मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर समझा जाता है पोइट रविंद्रनाथ टगोर वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन थर्टीन इनको नाइनटीन थर्टीन में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर हज़ कलेक्शन है गीतांजलि जी आई टी एंड जी एल आई जो के पब्लिश हुआ था लंदन में इन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेल्व में और नाइन्टीन थर्टीन में इनको इनके वर्क गीतांजलि पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके साथ साथ इनको और भी बहुत से अवार्ड दिए गए हैं जो कि इनको इनके अपने कंट्री की तरफ से दिए गए थे इसके साथ साथ इनका जो पीरियड है वो बंगाली रहनसा से रिलेट करता है जैसे कि हम इंडियन लिटरेचर और पाकिस्तानी लिटरेचर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बंगाल बंगाली लिटरेचर में लिखा करते थे और इन्होंने कुछ वर्क्स जो हैं वो इनको इसमें ट्रांसलेट भी किया है इसलिए इनको बंगाली लिटरेचर में मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर या पाइन भी समझा जाता है और इस तरह इनको हम बंग्लादेशी लिटरेचर में भी काउंट कर सकते हैं अच्छा जो लिटरेरी मूवमेंट इनके टाइम पे चल रही थी जो पीरियड था वो था बंगाली रनिशा का था क्योंकि जो बंगाल बंगाल में री हो रहा था नॉलेज उस टाइम पर ये ग्रो कर रहे थे लिटरेरी मूवमेंट उस टाइम पर कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म चल रही थी इज़ द फाउंडर ऑफ़ मॉडर्न पोइट्री बंगाली मॉडर्न पोइट्री इनको हम फाउंडर ऑफ़ बंगाली मॉडर्न पोइट्री भी कहते हैं रविंद्र नाथ टगोर जो हैं वाज दी ओनली ऑथर टू कम्बाइन द टर्म ब्रहिन बी आर एच एम आई एन इन्होंने इसको कंबाइन किया था एंड रैनिसा मैन यानी बरहामिन कौन होते हैं जो ब्रहन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके साथ साथ जो रनिसा मैन हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था इसको कंबाइन किया था दोबारा देख लेती हैं नाथ टगोर वॉज द ओनली ऑथर टू कम्बाइन द टर्म ब्रहमिन एंड रैनिसा मैन यानी कि ब्रहमिन एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो कि ब्रहिन फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके साथ रैनिसा मैन इन्होंने इन दोनों को कम्बाइन किया विद विद इन हिमसेल नेक्स्ट आ, इनके जो हैं हम स्टाइल को देखते हैं कि इनका स्टाइल किस तरह होता है इनका स्टाइल हमें देखने को मिलता है रिथमेटिक है फिर उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक होते हैं लरिकल नेचर में ये अपनी जो वर्क्स हैं यानी कि पोइट्री वो लिखते हैं रविंद्रनाथ टकूर जो फेमस इनके वर्क्स हैं आप सबसे पहले वो देखते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया जिसको नोबल प्राइज़ भी मिला था गीतांजलि जो कि सब्जेक्ट किस पर लिखा गया डिवोशन ऑफ गॉड यानी कि गॉड के, के सब्जेक्ट को लेकर इसमें लिखा गया है चोकर बाली जो किस मोस्ट इंपोर्टेंट इनका वर्क है सी एच ओ के एच ई आर बी एल आई सब के सब एक्स्ट्रा म, जो हमारे मटेरियल अफेयर्स होते हैं इसके बारे में ये वर्क लिखा गया है द पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर गोरा जी ओ आर ए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट इनका वर्क है फ्रूट सेलर फ्रूट सेलर ये भी इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जो 1961 में पब्लिश करवाया गया था साधना एस ए डी एच एन ए द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ इसके अंदर हमें दिखाई गई है